हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। अगर आप लॉस रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये प्राइस अपडेट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मार्केट का एक भी मूव हम मिस नहीं करेंगे जिससे हमें प्रॉफिट मिल सके। 3-4 मिनट में हम बिटकॉइन का लाइव चार्ट के ऊपर प्राइस एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में आपको एक बिजनेस स्टोरी भी सुनाऊंगा, बहुत ज्यादा ये इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, मजा आएगा आपको सुन के, कुछ न्यू भी सीखने का मौका मिलेगा आपको। वीडियो के लास्ट पर आपको मैं एक इंडिकेटर बताने वाला हूं जिससे आप डे ट्रेडिंग करोगे और प्रॉफिट कमाओगे। इस टाइप के मार्केट में वो इंडिकेटर बहुत ही बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। इस टाइम पे जो बिटकॉइन की करंट प्राइस है वो है 22,330 USDT। जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत आसान है बिटकॉइन के करंट जो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना और नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करना। ये जो वीडियो है ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे ये मैं बना रहा हूँ। फेली चांसेस है कि जिस तरह मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा इस तरह ही मार्केट जाएगी और हमने एक प्रॉपर गेम प्लान के साथ प्रॉफिट भी कमाना है, लॉस भी अपना रिकवर करना है। ये देखें, ये जो मैंने हाइलाइटर का यूज किया है कितनी जगह पे, 5 जगह पे, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे जो बिटकॉइन की प्राइस है उसने रेसिस्ट भी किया है, सपोर्ट भी लिया है। किस लेवल पे वो लेवल बनता है 21,900 USDT का? अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो वो बनता है 21,869 USDT। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 28 जुलाई को मैंने एक दिन पीछे ये लाइन खींची है ताकि आप इस कैंडल को देख सकें। 28 जुलाई को बिटकॉइन की जो प्राइस है उसने $21,900 के लेवल को ब्रेकआउट किया था और प्राइस कितने अच्छे तरीके से पंप हुई थी, और ये पंप हुई थी जाके 25,242 USDT पे। ठीक है, इस तरह जब ये शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो एग्जैक्ट इसी लेवल पे आके, ये अगर आप पॉइंट देख सकते हैं, तो बिटकॉइन की प्राइस ने 19 अगस्त को ये ब्रेकडाउन किया था और बिटकॉइन की प्राइस फाइनली नीचे गिर गई थी जाके 18,604 USDT पे। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है, इसलिए मैं हमेशा आपको फोर्स करता हूं कि इस लेवल को आप जहन में रखें। इसके ऊपर है तो मार्केट काफी ज्यादा बुलिश हो सकती है, इसके नीचे है तो मार्केट बेरिश हो सकती है। ठीक है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी एक इंस्टेंट अपडेट दी थी, तब बिटकॉइन की प्राइस $21,900 के नीचे थी। मैंने आपको कहा था इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी तो आर्टकॉइंस वन बाय वन फटाफट पंप होना शुरू हो जाएंगे। कैसा नहीं है कि बहुत सारे जो टॉप गेनर्स में कॉइन आ रहे हैं वो 100% 150% भी पंप हो रहे हैं, कोई 50% पंप हो रहा है, कोई 60% पंप हो रहे हैं ना। तो इस तरह जैसे टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आपको मैं एक छोटी सी अपडेट भी देना चाहूंगा कि वहां पे देखिए रिसेंटली हमने सबने मिलकर फ्री सिग्नल से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल दिए गए थे, जैसे हमने RSR से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, रे से हमने इंस्टेंट प्रॉफिट कमाया, रे कॉइन से, फिडा कॉइन कितने अच्छे तरीके से पंप हुआ है कि उसने 50% प्लस प्रॉफिट दिया है, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट में एग्जिट किया 40% 45% 30% पे। ठीक है, सिक्योर्ड कॉइन 58% पंप हुआ है, हमने टेलीग्राम के ऊपर उसकी अपडेट दी थी, फ्री सिग्नल सारे लेवल मैंने आपको बताए थे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको भी पता है कि हर फेमस यूट्यूबर के फेक चैनल्स बन चुके हैं, तो मेक श्योर करें आप एक रियल चैनल ज्वाइन करें। रियल चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम के रियल पेज के ऊपर, क्रिप्टो नोट्स के ऊपर। ठीक है, अगर किसी वजह से वो लिंक नहीं करता है, वर्क नहीं करता, इसको मतलब आप किसी ऐसी टेरिटरी से बिलोंग करते हैं जहां पे टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है वो बैन है, राइट? आप देखें यहाँ पे, ये तो हो गया अपसाइड के, यहाँ पे आगे क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे देखें बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल के ऊपर स्टेबल रहती है $21,900 के ऊपर और ये भी फिर पंप करेगी 24,740 USDT, ये इसका नेक्स्ट टारगेट होगा, और यहाँ पे फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन आल्टकॉइन से आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इंजॉय करें, बल्कि होल्ड भी करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें। आल्टकॉइन्स में हमें एक मिनी बुल रन देखने को मिल सकता है, रिलीफ रैली मिल सकती है। ये तो हो गया ऊपर के लेवल्स की बात। अगर जस्ट इन केस बिटकॉइन की प्राइस $21,900 के नीचे चली जाती है फिर क्या होगा? हमेशा याद रखें, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचते हैं कि ऊपर ही जाएगा, नीचे ही प्राइस जाएगी। ठीक है, इस तरह वो अदर 50% के जो चांसेस हैं उसको इग्नोर कर देते हैं,
समटाइम प्रॉफिट हो जाता है, समटाइम नहीं होता है, क्योंकि 50-50% चांसेस है, वो सिर्फ 0.5% जो है वो इनसाइड रखते हैं मार्केट में। दोनों साइड्स पे देखना है कि अगर ऊपर गया तो करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेलिंग स्टॉक यूज करना है, आप वक्ती तौर पे कौन सा होल्ड कर लें और ज्यादा पंप हो सकते हैं। अब नीचे आ गया अदर हाफ को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्या करना है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है, हम प्रॉफिट कमाते हैं। जब मार्केट नीचे जाती है उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये वाला जो लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है और ये नीचे गिर जाती है, $21,900 के नीचे आ जाती है प्राइस, तो फिर क्या होगा। तो वो होगा कि देखें यहाँ पे जो फर्स्ट इसका जो सपोर्ट है वो है $20,721। ये बाय द वे लेवल टूटा था रिसेंटली 26 अगस्त 2022 को लेवल टूटा था और मार्केट जो है वो डंप हो गई थी 18,690 यूएसडी के राउंड अबाउट। लेकिन यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने दो चीजों को गौर करना है कि बिटकॉइन की प्राइस अगर यहाँ से नीचे भी आ जाती है 21,900 के नीचे, 20,721 पे फेली चांसेस है कि ये सपोर्ट लेगा, वहां तक कोई भी खतरे की बात नहीं है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी विंडो आपको देता हूँ, 20,500 से लेके 20,700, 20,500 से लेके $20,700 के बिटवीन में अगर मार्केट आ जाती है तो फिर आपने करना क्या है, आपने टाइट स्टॉप लॉस यूज कर लेना है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में, लॉन्ग टर्म्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमने एक्ट करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे नीचे फिर सेलिंग प्रेशर आएगा, पहले भी होता है। फ्लैशबैक में चले जाएं, वन वीक पहले क्या था, जैसे जैसे बीटीसी प्राइस नीचे जा रही थी सेलिंग प्रेशर आता जा रहा था, नेगेटिव न्यूज मार्केट में आ रही थी। इस टाइम पे मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, सारी पॉजिटिव ही आ रही है, बिटकॉइन की प्राइस बुलिश हो रही है, फेयरली चांसेस है ऊपर जाएगी मार्केट। लेकिन यहाँ पे अगर नीचे भी आती है तो आपने स्टॉप लॉस यूज करना है, ताकि अगर मार्केट नीचे डंप होती है तो आपके पास यूएसडी होने चाहिए, ताकि आप दोबारा से जो बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सके नीचे से बाई कर सके। ज्यादातर इस टाइम पे जो चांसेस हैं वो देखें, मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी बताया था कि इस 21,900 $21,900 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक बुलिश है मार्केट, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। फिलहाल के लिए ज्यादातर चांसेस यही है कि मार्केट इस टाइम पे बुलिश है, ज्यादातर चांसेस यही है कि 65% चांसेस ये हैं कि बिटकॉइन को पहले 24,740 यूएसडी तक जाना चाहिए बिटकॉइन को। लेकिन इससे नीचे मार्केट आ जाती है तो फिर ज्यादातर चांसेस होंगे कि 20,721 यूएसडी तक होंगे। जिस तरह मैंने आपको वे बताया इस तरह आपने मार्केट को एनालाइज भी करना है, पोर्टफोलियो को मैनेज भी करना है। अभी बात करते हैं उस स्टोरी की जो कि मैं आपको सुनाने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ठीक है, मजा आएगा आपको सुनने को। देखें एक दफा ना एक बाबे के पास एक आदमी जाता है, होता है ना बड़े पहुंचे हुए बाबे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उसके पास एक आदमी जाता है, कहते हैं जी मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है रिसेंटली बिजनेस में, मेरे पास तो कुछ नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो मुझे बाबा जी कोई एडवाइस करें कि मैं कहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट करूं ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं, मैं अमीर बन सकूं। तो बाबा जी उसे कहते हैं कि तुम इस तरह करो, एक साल तुम जो है वो बार बार बाई करोगे कपास को, जिसको कॉटन बोलते हैं, ठीक है, कॉटन में तुम बिजनेस करो, कॉटन की शॉप खोलो, तुम्हें प्रॉफिट होगा, तुम अमीर बन जाओगे। वो ऐसे ही करता है, जितनी जमा पूंजी होती है वो कॉटन बाई करता है, जो कॉटन है वो महंगी हो जाती है उस साल में, उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो उसके दिन फिर जाते हैं, वो अमीर होना शुरू हो जाता है। अगले साल वो फिर आता है बाबा जी के पास, बाबा जी अब कॉटन में उतना ज्यादा मुनाफा नहीं रहा है, मार्केट बहुत ऊपर गई, अब एक जगह पे नीचे आ गई है, रेट्स ऊपर गए थे अब नीचे आना शुरू हो गए, तो मुझे बता दें मैं क्या करूं। तो बाबा जी उसे कहते हैं तुम इस तरह करो कि तुम लेमन बाई किया करो, लेमन की शॉप खोलो, उससे तुम्हें काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो वो क्या करता है जी, वो लेमन खरीदना शुरू कर देता है, बेचना शुरू कर देता है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है लेमन की बाइंग एंड सेलिंग से, वो ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है लेमन में, ठीक है। एक साल गुजर जाता है तो बहुत उसे वो अमीर बन चुका होता है, ठीक है, इन दो मशवरों के साथ, इन दो एडवाइसेस के साथ। वो कहता है जी मैं तो अमीर हो गया। उसके वो ज़ारा जैसे जैसे बंदा अमीर होता जाता है तो समटाइम उसकी गर्दन में सरिया भी आ जाता है। अच्छा, तो बाबा जी के पास एक दूसरा आदमी जाता है, वो कहता है जी अपनी मुश्किल बयान करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, पैसों की कमी है, तो बाबा जी मेरा कुछ करें। तो बाबा जी के जहन में ख्याल आता है कि यार मैंने एक बंदे का भला किया था कि क्यों ना मैं इस बंदे को, इस आदमी को उस आदमी के पास भेज दूं जो कि अभी काफी ज्यादा अमीर बन चुका है, तो वो इसकी जो मुश्किल है वो पूरी कर देगा, हल कर देगा।
तो वो एड्रेस देता है, बाबा जी उसे एड्रेस देते हैं दूसरे आदमी को कि तुम उससे मिल लो, वो तुम्हारी मदद करेगा, मेरा नाम लेना जाके, उस बाबे ने भेजा है जाके। वो जाता है आदमी से मिलता है, कहते हैं बाबा जी ने कहा था कि रेफरेंस देना, मैंने तुम्हें मशवरे दिए थे जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा अमीर हुए तो मेरी ये मुश्किल है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे मेरी मदद कर दो। तो वो आदमी जो अमीर हुआ होता है उसके गर्दन में सरिया हो चुका होता है, मगरूर हो चुका होता है, सेल्फिश भी हो चुका होता है, उसे लग रहा होता है कि सारा कुछ मैंने किया। वो बड़े ही नफरत के साथ कहते हैं बाबे ने क्या किया है, बाबे ने तो सिर्फ बताया ही ना कि कॉटन बाई कर लो, लेमन बाई कर लो, सारी मेहनत तो मैंने खुद किया, मैं मार्केट में गया, मैंने बाई किया, अच्छे रेट्स पे बाई किए, उसके बाद मैंने सेल भी किया, पार्टीज के साथ मैंने कनेक्शन बनाए, मार्केट में अपनी जगह बनाई, मैं तो अपनी मेहनत से अमीर बना हूँ, बाबे का क्या काम है, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं नहीं दूंगा कुछ भी, जाओ ऐसे बाबा जी को जाके बता दो। तो वो बंदा वापस बाबा जी के पास जाता है मायूस होके, वो कहता है जी मुझे तो इस तरह कहा है उसने, इसमें तो बाबे का क्या कमाल है। तो बाबा जी कहते हैं अच्छा जी ठीक है, चले ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब होता क्या है, उस बंदे को ना थोड़ा सा लॉस होना शुरू हो जाता है, वो घबरा जाता है, उसके जहन में फौरी बाबा याद आता है, होता है मुश्किल वक्त में फिर बाबा जी याद आते हैं कि जिसने पहले मदद की होती है उन लोगों की याद आती है जिन्होंने मदद की होती है, हम अच्छे दिनों में उनको भूल चुके होते हैं। मैं दोबारा बाबा जी के पास जाता है, कहते हैं जी बाबा जी मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, तो काइंडली मुझे एडवाइस कर दें कि मैं अब क्या बाई करूं, मुझे लगातार लॉस होता जा रहा है। बाबा जी उसे कहते हैं तुम इस तरह करो, प्याज बाई कर लो, अनियन बाई कर लो, तुम्हें बेहतर ही होगा तुम्हारे लिए। वो जाता है जितनी जमा पूंजी होती है वो अनियन बाई कर लेते हैं। अनियन बाई करने के बाद गर्मियों के दिन होते हैं, अनियन की मार्केट नीचे गिरी होती है और ज्यादा नीचे चली जाती है, मार्केट में कोई वायर नहीं होता है, ज्यादा स्टॉक उठा लेता है, तो अनियन जो होता है वो सड़ना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, सारे के सारा जो उसका स्टॉक होता है वो गल सड़ के खराब हो जाता है, जीरो पे आ जाता है, कुछ भी नहीं होता है। दोबारा वो बड़े गुस्से में जाता है बाबा के पास, बाबा जी तुम डोंगी बाबा हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, मैं तो तुम्हें बड़ा पहुंचा हुआ समझता था, तुमने मेरा नुकसान करवा दिया, तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस डूब गया, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, मैं तो कंगाल हो गया। तो बाबा जी से जवाब देते हैं जिस तरह प्रॉफिट तुमने खुद कमाया था ना, तुम अमीर खुद बने थे, सही है, बाकी का उसमें कोई भी लेना देना नहीं था, उसमें मेरा कोई भी अमल दखल नहीं था, इसी तरह नुकसान भी तुमने खुद ही किया है, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि जाके उस इन्वेस्टर से बाई करो या ये करो वो करो, मैंने तो तुम्हें कहा, पहले भी कहा, अभी भी मैंने तुम्हें कहा, उसमें तुमने कहा जी मैंने ही सारा कुछ किया है, तो अभी भी नुकसान भी किया था तुमने ही किया है, इसमें मेरा क्या कसूर है, तुमने अगर नुकसान उठाया है तो वो तुम्हारी अपनी गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपको कोई भी बंदा, चाहे वो यूट्यूबर है या कुछ भी है, अगर वो आपको कोई एडवाइस देता है तो उससे अगर आपका प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपका ही होता है, ठीक है, अगर नुकसान होता है तो वो नुकसान भी आपका ही होता है। तो इसी वजह से जो यूट्यूबर्स है ना वो ये स्टोरी सुन के डिस्क्लेमर देते हैं कि आपके प्रॉफिट या लॉस की हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, प्रॉफिट होगा तो वो भी आपका है, लॉस भी होगा तो वो भी आपका है, मर्जी अपनी किया करें। जब भी कोई आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है, वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती है यूट्यूबर के ऊपर, जो यूट्यूबर्स देते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो नोट्स आपको फाइनेंशियली एडवाइस नहीं देता है, तो आप क्या किया करें, मर्जी अपनी किया करें, खुद से स्टडी किया करें। होपफुली ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो हो गया। अभी बात करते हैं कि कौन सा इंडिकेटर है जो कि आपके काम आ सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ये है जी हमारा YouTube का चैनल, इसको आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे ये जो आइकॉन बना है ना टेलीग्राम का, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक करके टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे भी क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे चले जाएंगे। ट्विटर के ऊपर भी मैं इंस्टेंट अपडेट देता हूँ, ट्विटर के ऊपर भी मैंने आ, 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 काफी ऐसे सिग्नल्स दिए हैं जो कि अपने प्रॉफिट पे गए हैं, जिन्होंने अपने टारगेट सेट किए हैं, ठीक है, तो आप ट्विटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे आके आपने या तो SS ऐसे ही सिंपली आपने कर लेना है, SSL साथ में क्रिप्टो नोट्स लिख के, ठीक है, क्रिप्टो नोट्स लिख के आप करें तो वो आ जाएगा, इंडिकेटर आ जाए, अदरवाइज यहाँ पे सॉर्ट बाय पे आएंगे, मोस्ट पॉपुलर पे क्लिक करेंगे, मोस्ट पॉपुलर पे क्लिक करने के बाद ये जो वीडियो है ना, डेली 100 लगाओ, 180 कमाओ, ठीक है, 90% एक्यूरेसी, प्रो ट्रेडर यूज दिस, ये वाली जो सेकंड वीडियो है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। EMA के साथ ये कॉम्बिनेशन है, बहुत ही आसान है, बच्चे भी यूज कर सकते हैं, जिनको ट्रेडिंग की दुनिया की ABC भी नहीं ना आती,
वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। बहुत आसान है इसको समझना, ठीक है। इसमें आपने जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का सिलेक्ट करना है या 15 मिनट का करना है। 15 मिनट थोड़ा स्लो होता है, 5 मिनट उतना ही कम होता है। 5 मिनट का ये मतलब होता है कि हम छोटे छोटे प्रॉफिट लेंगे। 15 मिनट का मतलब होता है कि हम मीडियम टाइप के प्रॉफिट लेंगे। जितना टाइम फ्रेम बढ़ाते जाएंगे उतना ही प्रॉफिट लेवल बढ़ता जाएगा, उतना ही इंतजार बढ़ता जाएगा। जितना छोटा होता जाएगा टाइम फ्रेम, उतना ही आपको प्रॉफिट लिटिल पे आपने करना है, कंसंट्रेट करना है। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि वो आपको फौरी बाय करवा के एग्जिट करवा देगा, कोई मसला नहीं है। 10 में से 7 ट्रेड आपकी जानी चाहिए प्रॉफिट में, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसके साथ कॉम्बिनेशन में ये वीडियो, हाउ टू सिलेक्ट क्रिप्टो नोट्स फॉर डे ट्रेडिंग, आपने डे ट्रेडिंग के लिए कॉइन्स को कैसे सिलेक्ट करना है, अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लें। क्योंकि अगर आप ये 2 वीडियो में मास्टर हो गए ना, आपको ना तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने की जरूरत है, ना आपको किसी यूट्यूबर की अपडेट का इंतजार रहेगा। आप अपनी मदद खुद कर सकेंगे, खुद अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज कर पाएंगे। तो ये दोनों वीडियो आप देख लेना, इसको 2 दफा देखना, इसको भी 2 दफा देखना, ठीक है। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, सर मैं डेली 5, 6, 7, 8 डॉलर कमाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। मैंने उसको ये वीडियो फॉरवर्ड की थी और वो अभी काफी हद तक अंडरस्टैंड कर चुका है, मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, उसने 5 दफा ये वीडियो देख ली है। लिटरली ही टोल्ड मी के आई वॉच दिस वीडियो 5 टाइम्स। और समझ लें, देखिए 26 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट में उसने कितने मिनट अपने दिए होंगे, 100+ मिनट्स उसने दिए हैं, और उसके बाद हमेशा के लिए वो कमाएगा। आज की डेट में भी, 10 साल के बाद भी ये वैलिड रहेगा, ऐसे ही रहेगा। हाउ टू सिलेक्ट क्रिप्टो कॉइन्स फॉर डे ट्रेडिंग, ये कॉइन्स को कैसे सिलेक्ट करना है, ये भी वैलिड रहेगी नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए भी ये वीडियो, इसको देख लें। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।